हेलो वेलकम बैक इंडियन फैशन पॉइंट। इंडियन फैशन पॉइंट में आप देख रहे हैं गोल फ्रॉक की स्टिचिंग। तो सबसे पहले हमने कंधा सिला है, कंधे के बाद उसके गले में गले के कपड़े पे हम लेस लगाएंगे। उसे फोल्ड करेंगे, दो बार तीन बार कपड़े को फोल्ड करेंगे, फिर उसके बाद पे लैस लगाएंगे। सीधी तरफ करके लैस ऊपर है और कपड़ा नीचे साइड पे है। घुमा घुमा के लगाइए, पूरा लग गया। अब इसको हम कपड़े को उल्टा करेंगे और फिर जो ऊपर का कपड़ा है उसको सीधा रख के उल्टा रख के दोनों को कपड़ा उल्टा और कपड़ा रख के गले के किनारे किनारे पर क्या कर देंगे। ये मेरी बखिया हो गई। थोड़ा से कैंची का कट लगा के गले की अंदर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको निकाल देते हैं। उसमें हल्का हल्का कट लगाएंगे। अब अंदर जो झालर वाला कपड़ा उसको पलट दें। इसके ऊपर से हमने एक बार बखिया चलाई है। और फिर इसी के ऊपर एक बार लैस लगाएंगे गले में। कपड़ा लैस ऊपर है, कपड़ा नीचे है। अब ये आस्तीन है, आस्तीन के दोनों हिस्सों को सिल लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद फिर बीच में लैस को डाल के फिर उसकी सिलाई करते हैं। सिलाई हो रही है, इसी तरह हम पूरा सिल डालेंगे। सिल आ गया मेरा। अब इसे हम चोले में आस्तीन को ज्वाइन करते हैं। मेरी ज्वाइन भी हो गई है, चार पांच प्लेट आई है ऊपर कंधे पे, हो गया। अब हम सेन बगल की नहीं, अब जा रहे हैं चैन के लिए, कपड़ा लगाने के लिए चैन बन लगाएंगे। उसमें कपड़ा लगाया है मैंने, एक कपड़े को बीच में रख के अगल बगल सिलाई कर दे रहे हैं, फिर बाद में कटिंग करके उसको पलट दे रहे हैं। थोड़ा थोड़ा कपड़ा हमने आधा इंच करीब बाहर निकाला है क्योंकि चैन को उसी पे सेट करेंगे। ये दोनों साइड की हो गई है। ये मेरा लग गया चैन वाला कपड़ा पीछे का। अब हम इसके साइड की सिलाई करेंगे। यहाँ से हाथ के हिसाब से हम आस्तीन की सिलाई करते हैं, जितना चौड़ा मोटा पतला हाथ हो उसी हिसाब सिलाई कर देते हैं। मैक्सिमम 4 इंच रखते हैं उसकी साइड की सिलाई होती है। हो गई है मेरे दोनों साइड की सिलाई हो गई है। अब हम जा रहे हैं चोला और घेरा। हमने घेरे में भी लैस लगा ली है, जिस तरह हमने ऊपर वाले झालर में लैस लगाई थी उसी तरह घेरे में लैस लगाई है। अब हम चोला और घेरा को अटैच करने जा रहे हैं। तो दोनों का कपड़ा सीधा सीधा रख के अंदर साइड में अटैच करेंगे। पहले इस पर निशान लगा ले रहे हैं, जितनी दूर हमको अटैच करना है उसकी कटिंग करेंगे।
ये हल्का सा कट करके, अब हम दोनों को जा रहे हैं जोड़ने, घेरा जोड़ने चूल्हा को। दोनों कपड़ा सीधा है, घेरे का भी है और चूल्हे का भी, दोनों कपड़ा सीधा रखा है। दोनों को सीधा रख के और हम सिलाई कर देंगे। इस तरह हमारी गोल फ्रॉक तैयार हो जाएगी। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए मेरी फ्रॉक तैयार हो रही है। दोनों साइड, एक साइड पिन लगा ले रहे हैं, एक साइड छोड़ दे रहे हैं। एक साइड पिन लगाने से कि दोनों का बराबर आ जाएगा चूल्हा। ये मेरा सिलाई हो रही है। हम 2x3x22 को सिलाई कर दे रहे हैं ताकि ये पक्की हो जाए। यहाँ मैंने निकाल लिया और इसे यहाँ से फिर मैंने पकड़ के सिलाई कर दी है। ये मेरा घेरा चूल्हा अटैच हो गया। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रही है ना गोल फ्रॉक। वेरी नाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।